हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं सिंपल स्टिचिंग चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये जो मैंने ड्रेस बनाया हुआ है, ये शॉर्ट कुर्ती है और शर्ट टाइप का डिज़ाइन है, कॉलर नेक है और ये जो बटन है ये मैंने हैंडमेड बनाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर सा बना है और हाथ में भी इसका इलास्टिक मैंने यहाँ पर अटैच किया और इसका नीचे जो है वो यू शेप का है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, आप लोग भी ज़रूर से इसे ट्राई करें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो कपड़ा है ये 4 फोल्ड किया हुआ है और इसका जो लेंथ है वो 32 है और इसका जो विड्थ है वो है 15 इंच। शोल्डर का जो मेज़र होगा वो 7.5 होगा और यहाँ पर जो आर्म होल लूँगी वो 7 इंच का लूँगी और उसके बाद यहाँ से ऊपर से इसे 1/2 इंच नीचे करके यहाँ पर तिरछा लाइन एक खींच लेना है। चेस्ट का जो मेज़र है वो मैं यहाँ पर 12 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये मैं थोड़ा सा लूज़ रखूँगी और जब मैं इसका स्टिचिंग करूँगी तब अपना मेन मेज़रमेंट कर लूँगी। तो आप लोग अपना मेज़रमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पर 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ कमर के लिए और हिप के लिए यहाँ पर 19 इंच पे। कमर का जो मेज़रमेंट वो मैं यहाँ पर 11 रख रही हूँ और ये थोड़ा सा कपड़ा मार्जिन के लिए, और हिप का भी जो मेज़रमेंट वो भी मैं 12 ही रख रही हूँ। अब इन सबको मिला लेना है यहाँ से। ये जो होगा ये मेरा स्टिचिंग लाइन है और ये जो होगा यहाँ पर मैं कट करूँगी और नीचे मेरा यहाँ पर जितना भी घेर रहेगा वो मैं पूरा ले लूँगी। नीचे से यहाँ ऊपर तरफ 3 इंच पे मार्किंग करके नीचे राउंड शेप कर लेना है। आर्म होल के पास यहाँ पर 1 इंच निकालते हुए इसे राउंड शेप कर लेना है। अब मैं इसे कट करूँगी। अब दोनों को अलग करके ये बैक पार्ट को मैं ले लेती हूँ नीचे से 1 इंच पे और ऊपर से यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करके यहाँ पर गोल शेप कर लेना है। ये नेक जो होगा ये कॉलर नेक होगा और ये है फ्रंट साइड, इसी पे मैं मार्किंग को डीप करके दूसरे साइड पर भी दे देती हूँ। अब इसका लेंथ जो होगा फ्रंट साइड का ये 4 इंच पे यहाँ पर रखूँगी और इस साइड से 3 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पर भी हल्का यू शेप का दे देना है और इसे पहले कट कर लेती हूँ। अब नीचे से यहाँ पर खुला हुआ रहेगा तो फिर यहाँ 8 इंच तक मार्क करती हूँ और उसके बाद यहाँ 20 से इसे कट कर लेना है। बाकी अब स्लीव्स के लिए इस कपड़े को पहले 4 फोल्ड कर लेती हूँ। इसका जो लेंथ रखूँगी वो 13 इंच रखूँगी यहाँ से और जिस साइड खुला हुआ है उस साइड से यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करके इसे इस तरीके से शेप कर लेना है। और ये जो आर्म होल हो रहा है ये मेरा 10.5 आ रहा है। नीचे का जो मोहरी होगा वो मैं पूरा ही रख लेती हूँ 9 इंच तक क्योंकि यहाँ मैं इलास्टिक अटैच करूँगी। अब इसे कट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने मिडिल पे इसीलिए कट किया ताकि ये बाद में हम लोगों को समझ में आए ये मिड पार्ट है। अब इस कपड़े को डबल करके यहाँ से मैं एक पट्टी निकालूंगी तो उसका लेंथ जो रखूंगी वो मैं लगभग 11 इंच रख रही हूँ। ये डबल कपड़ा है और इसका जो चौड़ाई होगा वो 3 इंच का। तो यहाँ से मैं पहले कट कर लेती हूँ। बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैं यहाँ पर रख देती हूँ क्योंकि उस पर मैं कॉलर अटैच करूँगी। और यहाँ पर मेरा कटिंग कंप्लीट होता है। अब मैं इसका स्टिचिंग दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक पेपर बकरम लिया हुआ है जिसका चौड़ाई 1 इंच का है और इसे साइड पे रखते हुए इसे सिल लेना है पहले। फ्रंट पार्ट का जो राइट साइड है उसे मैं मेजर कर लेती हूँ। ये 8 इंच का है तो यहाँ पर मैंने इसे पहले कट कर लिया है 8 इंच का एक पट्टी।
अब इस कपड़े को उल्टा कर लेना है और लेफ्ट साइड तरफ इसे अटैच कर रही हूँ, यहाँ पर सिल रही हूँ। तो आप लोग देखते जाइए इसे मैं किस तरीके से कर रही हूँ। उसके बाद इसे घुमा के इसके ऊपर से और एक सिलाई लगा लेना है। अब जो बाकी पट्टी बचा हुआ था उसे और एक साइड पे उल्टा करके फिर से इसे सिल लेना है। सेम तरीके से इसे भी आगे तरफ फोल्ड करना है सीधा तरफ, और इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर जो नीचे का कपड़ा बचा हुआ है इसे भी स्टिच करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर लेती हूँ और यहाँ पर इसे फोल्ड करके अच्छी तरीके से बैठा लेना है। उसके बाद दोनों को साथ मिला के सिल लेना है। ऊपर से यहाँ पर 4 इंच में मार्क कर रही हूँ क्योंकि इतना तक यहाँ पर खुला हुआ रहेगा, और बाकी जो नीचे का पार्ट था उसे मैं ज्वाइंट कर दे रही हूँ दोनों को। फ्रंट के ऊपर बैक पार्ट को रख के यहाँ पर सिल लेना है, और जब स्टिच कीजिए तब भी आप लोग ध्यान रखें कि अंदर साइड हम लोग का सीधा कपड़ा होना चाहिए, ऊपर और नीचे तरफ उल्टा कपड़ा होना चाहिए। शोल्डर जो रखूंगी वो मैं 5 इंच तक ही रखूंगी, और यहाँ से नीचे आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और यहाँ से हल्का शेप देके इसे कट कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पर स्लीव्स का पार्ट ले लिया है और इसे नीचे साइड से यहाँ पर स्टिच कर लूंगी पहले। अब जो बॉडी का पार्ट है ये शोल्डर का साइड है आर्म होल का, यहाँ पर जो मैंने स्लिप्स का कट किया हुआ पार्ट था जो पहले मैंने दिखाया था उसे यहाँ पर रख रही हूँ मिडिल पार्ट को, और यहाँ पर एक नीडल का हेल्प से इसे अटैच कर रही हूँ और दोनों साइड से इसे सिल लेना है। अब ये स्लीव्स जो है ये कुर्ती का पार्ट के साथ अटैच हो गया है, और इसी तरीके से दोनों साइड पे मैंने कर लिया है। अब इसे सबसे पहले उल्टा कर लेती हूँ। स्लीव्स के लिए यहाँ पर साइड से 1 इंच छोड़ दूंगी, और जो मेरा मार्किंग है उसी पे मैं पहले स्टिच करूँगी। और जो दूसरी साइड है उस पर भी मैंने पहले मार्किंग कर लिया और इसी के ऊपर स्टिच कर लिया है मैंने। ये जो चेस्ट का मेज़र आ रहा है ये 21 आ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर 1.5 इंच करके दोनों साइड से अंदर की ओर दबा दे रही हूँ यहाँ पर, ताकि ये मेरा फिट आ जाए। आप लोग अपना मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इलास्टिक अटैच करूँगी स्लीव्स के पास मोहरी जो होता है वहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 16 इंच का इलास्टिक लिया है। इसे 2 पीस करके इसके अंदर पे आप लोग देखते जाइए किस तरीके से मैं अटैच करती हूँ। अब यहाँ से स्टिच कर ले रही हूँ, जो मैंने मार्किंग दिया हुआ था उसी के ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छाट लेती हूँ। ये इलास्टिक मेरा अटैच हो गया यहाँ पर,
और इसे अब यहाँ से मिडिल से पकड़ के यहाँ पर देख लेती हूँ पहले ये कितना मेज़र आ रहा है। तो इसका जो लेंथ है ये 10 इंच है, तो ये डबल कपड़ा है। अब मैंने यहाँ पर एक पेपर बकरम लिया हुआ है, इसे मैं अब कट करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ साइड से यहाँ पर एक राउंड शेप करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर मिलाना है। उसके बाद यहाँ से 1 इंच लेके यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब इस जगह पर हम लोग को मेज़र कर लेना है ये कितना है। यहाँ तक मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया है क्योंकि मेरा जो कॉलर का मेज़र था वो 10 इंच था। और यहाँ पर हल्का राउंड शेप करके अब इसे कट कर लिया है मैंने। इस कॉलर को रख के एक कपड़े के ऊपर मैं पहले यहाँ पर ढीला सिलाई लगा लेती हूँ। आप लोग चाहे तो इसे आयरन से भी प्रेस करके बैठा सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखते जाइए इसे मैं किस तरीके से करती हूँ। अब इस कॉलर को और एक कपड़ा को ऊपर रख के यहाँ से स्टिच कर लेना है। नीचे से भी यहाँ पर 1/2 इंच रख के यहाँ पर इसे कट कर लेना है पूरा। फिर इसे पलट के इसके ऊपर से और एक सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर जो मैंने ढीला सिलाई लगाया था उसे मैं खोल लिया हूँ। और ये जो है कुर्ती का उल्टा साइड है और जिस तरफ खुला हुआ है कॉलर का पार्ट उसे पहले यहाँ पर स्टिच कर लेना है पूरा इसके ऊपर रख के। सिलाई हो जाने के बाद अब इसे पलट कर सीधा तरफ इसके ऊपर से जो सिलाई किया हुआ है उसी के ऊपर से इसे स्टिच कर लेना है। ये जो कॉलर है ये मेरा कंप्लीट हो गया है। कुर्ती को डबल करके बराबर करके नीचे से यहाँ पर 2 इंच पे मैंने मार्क किया ऊपर के साइड, और इसे यहाँ पर और एक बार राउंड शेप करके कट कर लेना है। उसके बाद इसे पलट के अंदर तरफ की ओर फोल्ड कर लेना है। तो फिर ये मेरा कुर्ती जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं फैब्रिक बटन बनाऊंगी। तो इस तरीके का जो बटन का सामान है ये मैंने मार्केट से लिया हुआ है, ये 2 रुपीज़ पर पड़ता है। तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग को अगर ये भी नहीं है तो फिर भी आप लोग फैब्रिक बटन बनाना सीख सकते हैं, मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो फिर इस तरीके से बना के ये मेरा कम्प्लीट हो गया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।